नमस्कार नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका होस्ट गिरीश। आज हम दोस्तों हम सेगमेंट के बारे में सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरा जो 3D Max है वो सेगमेंट पर डिपेंड है। आपने कितने सेगमेंट में काम किया, आपने कितने कम सेगमेंट में काम किया, आपने कितने मिनिमम सेगमेंट लेके मैक्सिमम आउटपुट दिया। तो मेरे ख्याल से 3D Max जो है वो डिपेंड ऑन सेगमेंट। तो आपको सेगमेंट का बहुत ही डीप में नॉलेज चाहिए। तो सेगमेंट क्या है? तो दोस्तों, सेगमेंट यानी के कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कितने हमें वायर्स ऐड करने हैं, कितने हमें उसमें सब ऑब्जेक्ट उसको सपोर्टेड लाइन ऐड करनी है, उसको मेरे हिसाब से सेगमेंट कहते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग में आप कितने लोहा यूज़ करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कुछ जो कंसेप्ट है वो मेरे ख्याल से सेगमेंट है। तो सेगमेंट का यूज़ करके सेगमेंट कैसे आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में सेगमेंट का क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। एक बॉक्स लेंगे और इस बॉक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। अभी यहाँ पे जो सेगमेंट आ रहे हैं वो कितने सेगमेंट है, तो यहाँ पर मैं मूव टूल लूँगा। तो ये जो लाइन आ रही है वाइट कलर की, उसको हम बॉर्डर कहते हैं। इसके बीच में अगर मुझे सेगमेंट ऐड करना हो तो मॉडिफाई में जाएंगे। अभी एक एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, एक विथ का है और एक हाइट का सेगमेंट है, ठीक है। अब मुझे विथ में दो सेगमेंट चाहिए, सिंपल यहाँ पे मैं दो सेगमेंट कर दूंगा। तो एक दूसरी लाइन जो है बीच में ऐड हो गई। जैसे हाइट के मुझे दो सेगमेंट चाहिए तो हाइट को मैंने डिवाइड कर दिया, लेंथ के दो सेगमेंट चाहिए तो लेंथ को मैंने डिवाइड कर दिया। कितने सेगमेंट आपको रख के वर्क करना है, कितने सेगमेंट कम रख के आपको वर्क करना है। इंडस्ट्री में दोस्तों ऐसा है कि जितने कम सेगमेंट होंगे उतना ही आपका डिमांड बढ़ेगा। जितना आप कम सेगमेंट रख के कोई भी मॉडल बनाते हैं तो वो गेमिंग में और मॉडलिंग में आपका जो ग्रोथ है वो जल्दी होगा। डिपेंड रहता है हर एक डिजाइनर को, मॉडलिंग आर्टिस्ट का, कि वो कितने कम सेगमेंट रख के, और डिपेंड रहता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। वो आप मॉडलिंग कर रहे हैं लेकिन गेमिंग के लिए कर रहे हैं, VFX के लिए कर रहे हैं, तो आप उस तरह से इतने सेगमेंट लेके आप वर्क कर सकते हैं। सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे अगर एडिट करना है तो आपको सेगमेंट यानी डिवीजन भी इसको कह सकते हैं। डिवीजन आपको कितने रख के काम करना है तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, जैसे मैंने कभी यहाँ पे स्पीयर बनाया, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ये बीच में वाइट लाइन आ रही है। अगर आपके 3D Max में अगर ये वाइट लाइन नहीं रही तो सिंपल उसको शॉर्टकट F4 है। अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो ये वाइट की जो एजिस है वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी एजिस स्पेस, अभी यहाँ पे जो आ रहा है वो एजी स्पेस आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अभी एजी जो है वो हाईलाइट हो रही है, वो यहाँ से हो रही है। इसका शॉर्टकट जो है वो F4 है। आप इसको यहाँ से भी आप ऑन ऑफ ऑन इन कर सकते हैं F4। और सेगमेंट को मुझे हाईलाइट करना है, अगर आपको यहाँ से फैक्ट रखना है तो फैक्ट रख सकते हैं, बाउंडिंग बॉक्स रखना है तो एज अ बाउंडिंग बॉक्स भी आप रख सकते हैं, फ्लैट कलर रखना है सिंपल। यहाँ से आप पूरे ऑब्जेक्ट का जो शेडिंग है वो चेंज कर सकते हैं, हिडन लाइन रखना है तो हिडन लाइन में आ जाएगा, क्ले टाइप रखना है तो क्ले टाइप आ जाएगा, स्टाइलिश रखना है, ग्राफिटी रखना है तो आप यहाँ से रख सकते हैं।
ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे डिफॉल्ट शेडिंग रख कर दूंगा और उसमें भी यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा तो फेस जो है वो मेरी हाईलाइट हो जाएगी, स्टैंडर्ड है। और उसके बाद जो यहाँ पे है दोस्तों कि मॉडिफाई पैनल में गए और यहाँ से मैंने इसके सेगमेंट जो है कम कर दिए, अभी 32 सेगमेंट है, मैं इसको कम कर रहा हूँ स्पीयर के सेगमेंट 1 2 3 4 कम कर दिए कम कर दिए कम कर दिए, फिर जितने सेगमेंट कम हो रहे हैं उस तरह से उस ऑब्जेक्ट का जो जियोमेट्री है, जो उसका शेप है, जो उसका ऑब्जेक्ट का जियोमेट्री जो होता है वो शेप पे डिपेंड रहता है, हाँ सेगमेंट पे डिपेंड रहता है, वो भी उस हिसाब से उसमें चेंज होता जाएगा। तो जितने आपके सेगमेंट ज़्यादा रहेंगे उतना जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ रहेगा, लेकिन उतने आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट बढ़ेगा तो बहुत ही हैवी हो जाएगा, उसको लोड होने में बहुत ही मेरे ख्याल से देर लगेगी। तो जितना आप कम सेगमेंट रख के वर्क कर सकते हो उतना ही ज़्यादा ईजी रहता है। तो अब आज सेगमेंट में बस इतना ही, आगे मैं आपको सेगमेंट ऐड करके कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को वो सिखाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।